गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी अपना कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, नहीं होता है, ये सब सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। साथ ही में हम लोग नया मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट के मेथड से ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानना भी स्टार्ट किए थे। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये तो हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से। लेकिन हम लोग सारे केस में पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को ही पढ़ रहे थे। तो नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल कंपाउंड्स में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया था। फिर आपको बताया था कि जब एक कंपाउंड में दो एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो तब कैसे करेंगे। फिर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट के मेटल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखलाया। देन मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस करवाए जिसमें आपको परऑक्साइड्स के केसेस करवाए, सुपर ऑक्साइड्स के केसेस करवाएं। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। अब स्पेशल केसेस में हम लोग थर्ड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, दैट इज द केस ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअल में इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसी के साथ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का हर एक पार्ट खत्म होगा। देन मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से हम लोग कैसे पहचानेंगे या कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अगर आपको हर एक केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना अच्छी तरीके से आ गया तो आप आसानी से बता सकते हो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो पहले तो हम लोग एक लास्ट जो स्पेशल केस है हमारा उसको हम लोग स्टडी करते हैं इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज द केस ऑफ द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कि कई केस में हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो एक्चुअल में मैं आपको वही दिखला रहा हूँ कि कौन कौन से केसेस में ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी है और फ्रैक्शन में आने का कहने का मतलब क्या है एक्चुअल में हमारा, वो मैं आपको भी सिखलाऊंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कंपाउंड है हमारा C3O2, कंपाउंड इज C3O2। इस कंपाउंड का बेसिकली नाम होता है हमारा कार्बन सबऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका बेसिकली, कार्बन सबऑक्साइड। अब इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जरा मेरे को निकाल करके बताओ, ठीक है, तो हम लोग जनरल तो सारा तरीका पढ़ेंगे, रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का, तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग मान लेंगे, लेट अस सपोज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन बी एक्स, हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का एक्स मान लेंगे। सिंस यहाँ पे 3 कार्बन है तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ एक्स, दैट इज 3x प्लस 2 टाइम्स ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। और जनरली कुछ नहीं है हमारा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का हमारा -2 हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ -2 इट इज इक्वल टू ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना, 0। तो ये कितने के इक्वल में होगा हमारा, 0 के इक्वल में होगा, राइट। तो इट इज इक्वल टू 3x, 2 टाइम्स ऑफ -2 दैट इज -4, इट इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव, दैट इज +4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, +4/3। कितनी आ गई यहाँ से x की वैल्यू, +4/3। दैट मीन्स x की वैल्यू +4/3, और x हम लोगों ने माना किसका था, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन आ गया कितना, +4/3। तो अब जरा बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का यहाँ पे फ्रैक्शन में हमारा आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा जी बताइए तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो फ्रैक्शन में आया है क्या ये करेक्ट है, सही है या गलत है, ठीक है। तो कई लोग बोलेंगे सर सही है, ऐसे ही बेतुका बिना कोई लॉजिक के। कई लोग बोलेंगे गलत है, लॉजिक ये देंगे, एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग, इट इज सिंपली द फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एटम इन देयर कंबाइंड स्टेट, कि किसी एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है
उसके कंबाइंड स्टेट में, दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +4/3 आया है, दैट मीन्स एक कार्बन पे C3O2 में एक कार्बन पे चार्ज कितना होगा हमारा +4/3 होगा, नहीं होगा? अरे होगा ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या चीज़ है, तो किसी भी एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है जब वो किसी के साथ कंबाइन करने का टेंडेंसी रख रहा है या कंबाइंड स्टेट में है, तो उस पे जितना चार्ज अवेलेबल होता है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस केस में कार्बन पे +4/3 चार्ज हमारा प्रेजेंट है, दैट मीन्स क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +4/3, मतलब चार्ज भी कार्बन पे प्रेजेंट कितना है +4/3, राइट राइट। अब जरा आप देखोगे कि चार्ज एक कार्बन पे आ गया +4/3, और अगर आपको बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री याद होगा तो मैं उस केस में बताया था कि चार्ज के डेवलप होने का रीजन, किसी भी एटम पे चार्ज क्यों आता है, तो उसका सिंपल सा रीजन होता है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज का गेन हुआ, इसलिए कौन सा चार्ज आएगा हमारा, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। कहीं पे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो नेगेटिव चार्ज निकल करके चला गया, तो ओवरऑल हमारा कौन सा चार्ज बच जाएगा, पॉजिटिव, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी एटम पे कंबाइंड स्टेट में कितना चार्ज प्रेजेंट है, और इस केस में अगर +4/3 चार्ज प्रेजेंट है तो सिंस चार्ज का नेचर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे किस क्या हुआ है, कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और कार्बन के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो क्या कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि 4/3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? अरे या तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, नहीं तो थ्री इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, नहीं तो फोर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, हमेशा इस टाइप से होगा ना, कि ऐसा थोड़ी होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मान नहीं सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते अभी तक जनरल स्टडी से? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट चार्ज ऑन एनी एटम, और चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस से आता है, और कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 4/3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस नहीं हो सकता। या तो एक एटम से इलेक्ट्रॉन या तो पूरा का पूरा निकल जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका हाफ पार्ट निकल जाएगा, हाफ पार्ट उसमें रह जाएगा, ऐसा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लॉस होगा या एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट गेन होगा, ऐसा नहीं कि हाफ का कंप्लीट लॉस हो रहा है हाफ का गेन हो रहा है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रैक्शन वैल्यू में इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस होना। अगर फ्रैक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आई है, दैट मीन्स यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, +4/3 मतलब 4/3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, क्या कभी भी रियल में ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, तो वो हमेशा या तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, लॉस भी इसी टाइप से होगा, मतलब मल्टीपल में 1, 2, 3, 4 ऐसे, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो क्या, तो अगर ऐसी बात है कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट चार्ज, एंड चार्ज इज ऑलवेज एक्यूमुलेटेड ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कभी भी अगर फ्रैक्शन में चार्ज आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का गलत है, यही बोलोगे आप? अरे हाँ या नहीं? तो ऐसे अगर देखा जाए लॉजिकली कि हमारा इस टाइप से होता है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस से आता है, तो अगर फ्रैक्शन में चार्ज है मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू तो ये रॉन्ग है, बट एक्चुअल में इन रियल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन हेयर इन C3O2 इज +4/3, और ये 100 out of 100% हमारा क्या है, करेक्ट है। तो भाई करेक्ट कैसे है, तो अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि करेक्ट कैसे है। तो एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर से हम लोग को मालूम पड़ेगा, तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो आप स्टार मार्क करके लिख लोगे कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज रिप्रेजेंट द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्रैक्शंस, द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और चार्ज हमेशा या तो गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। अगर फ्रैक्शन में चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस भी फ्रैक्शन में ही हुआ है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, राइट।
तो अभी तक के हिसाब से ये फ्रैक्शन वाला पार्ट गलत है, लेकिन इन एक्चुअल इन रियल द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज करेक्ट इन केस ऑफ C3O2 ऑफ कार्बन। वो कैसे, तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके बताता हूँ, राइट। अब जरा देखोगे आप, अगर C3O2 का मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके बताऊं, स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली देखना पड़ेगा इधर में, तो C3O2 इज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। ये होता है हमारा, ठीक, समझ में आई बात। C3O2 इज O डबल बॉन्ड C O। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ रहे होगे, तो कार्बन देखो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। ये सब हम लोग डिटेल में बॉन्डिंग में भी स्टडी करेंगे, ठीक, आई बात समझ में। अब जरा इस केस में आप देखेंगे, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की निकालने की बात करता हूँ, यहाँ पे 3 कार्बन एक्चुअल में, सपोज लेट अस सेज दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3, ठीक है, हम लोग मान चुके हैं। अब हम लोग तीनों कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कभी भी स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा तो ऐसे तो हम लोग फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में स्ट्रक्चर से भी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर से अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था कि स्ट्रक्चर से किसी भी एटम का अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को है ना, तो उसका आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो, क्या काउंट करो, आप नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करोगे, कितना वो बॉन्ड बना रहा है। लेकिन ध्यान में रखना है कि वो जो एटम है वो बॉन्ड दूसरे टाइप के एटम के साथ बनाना चाहिए, सेम टाइप के एटम के साथ बॉन्ड अगर बना रहा है तो उस बॉन्ड को काउंट नहीं करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप, मैं आपको कई बार बोला भी हूँ कि कोई चीज़ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, और आपको लगता है ये भूल जाओगे आप, तो आप उसको लिखा करो अपने कॉपी में, क्योंकि वो आपकी नोट्स है। तो आप अगर नहीं लिखे हो तो ये लिख लो आप कॉपी में कि स्ट्रक्चर में, मतलब इंग्लिश हिंदी जैसे में, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट थ्रू स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग को मालूम रहेगा तो हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल टेक्निक इज टू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय दैट एटम विथ अदर टाइप्स ऑफ एटम। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय दैट एटम विथ अदर टाइप ऑफ एटम। अगर सेम टाइप के एटम के साथ अगर हमारा बॉन्ड बना रहा है तो दैट बॉन्ड विल नॉट बी काउंटेड, वो बॉन्ड काउंट नहीं होगा। रीजन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा, रीजन थोड़ा वो इसका जानने के लिए आप लोग को जानना पड़ेगा एक्चुअल में कि हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आज तक आप सुने ही नहीं होंगे, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझ में आएगा, तब आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा आपको वो समझाने की, अगर वो आपको समझ में आ जाए कि क्यों हम लोग नहीं काउंट करते हैं सेम टाइप के बॉन्ड के बीच में, तो अच्छी बात है। नहीं भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेने का है, हम लोग पीरियोडिक टेबल में काफ़ी डिटेल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को पढ़ेंगे, क्या होता है नहीं होता है, देन हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से वहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, तो कैसे हम लोग स्ट्रक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को है उस एटम का आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस एटम का आपको क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड्स को काउंट करना पड़ेगा, जो बॉन्ड वो एटम दूसरे टाइप के एटम के साथ बना रहा है, अपने खुद के टाइप के एटम के साथ नहीं। जैसे हम लोगों को कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कार्बन, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट कार्बन, इससे मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर इससे मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन के मैं पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको मैं पूछूँ कितना है, तो ये ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है, परोक्सी वाला ऑक्सीजन तो नहीं है, क्योंकि परोक्सी वाला ऑक्सीजन में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन, और नॉर्मल ऑक्सीजन जैसे ही होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को पता है इसका -2 तो फिक्स ही हो जाएगा भाई, अरे होएगा नहीं होगा, होएगा, ये भी नॉर्मल ऑक्सीजन है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो फिक्स हो जाएगा। तो ऑक्सीजन वाले में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, अगर परोक्सी वाला होता तब हम लोग बोल सकते थे कि इससे कैलकुलेट की गलती हो गया क्योंकि ऑक्सीजन परोक्सी वाला है, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन यहाँ पे परोक्सी वाला नहीं है, मतलब ये मेथड भी अभी तक वैलिड है, सही माना जा रहा है, ठीक, समझ में आ रही बात। पिछले केसेस में हम लोग क्या कर देते हैं, इस मेथड को रॉन्ग कर देते थे, स्ट्रक्चर वाले को परोक्सी जहाँ लिंकेज था स्ट्रक्चर वाले को करेक्ट मान देते, क्यों, क्योंकि इस मेथड से हम लोग -2 ऑक्सीडेशन स्टेट मान करके चलते थे ऑक्सीजन का, तो हम लोग उसको परोक्सी वाला नहीं नॉर्मल ऑक्सीजन मान करके चलते थे, जबकि जब स्ट्रक्चर बनाते थे तो उसमें परोक्सी वाला निकल जाता था, इस वजह से हम लोग इसको गलत मान देते हैं। बट इस केस में हम लोग
फिर से वही वेरीफाई किया क्या परोक्सी वाला है क्या, अगर परोक्सी वाला रहता है तो ऑक्सीजन का माइनस टू नहीं मान सकते थे, नहीं भाई इधर में परोक्सी लिंकेज नहीं है क्योंकि परोक्सी लिंकेज इज ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे अगर परोक्सी लिंकेज हमारा नहीं प्रेजेंट है तब तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू जो हम लोग माना है वो तो सही है कि नहीं है, 100% सही है, उसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा देखेंगे आप, मैं फर्स्ट कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात करता हूँ। ठीक, कैसे स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करते हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बाय दैट एटम विथ अदर टाइप ऑफ एटम नॉट द सेम टाइप ऑफ एटम, राइट। अब जरा इस कार्बन का देखेंगे हम, दिस कार्बन इज फॉर्मिंग द बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इससे अलग टाइप का एटम है, दिस इज कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है उसको काउंट करेंगे भाई, तो कितना बॉन्ड बना रहा है, दिस इज बॉन्ड वन दिस इज बॉन्ड टू, तो दो बॉन्ड इधर में बना रहा है। ठीक, अभी तक टू हमारा आ चुका है, यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड को काउंट करेंगे क्या, आप ही बताओ, ये दोनों बॉन्ड जो C1 C2 के साथ बना रहा है इसको काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे काउंट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द कार्बन, दिस इज ऑल्सो द कार्बन। अब ये कार्बन जो ये दोनों बॉन्ड बना रहा है वो सेम टाइप के एटम के साथ बना रहा है, और सेम टाइप के एटम के साथ बॉन्ड जो बनता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं स्ट्रक्चर में, राइट। तो ये दोनों को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोगों ने दो यहाँ पे काउंट किया, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस कार्बन की कितनी आ गई यहाँ पे, प्लस टू, अरे हाँ या नहीं, प्लस टू आ गया, समझ में आ रही बात। अब सर बोलोगे सर इसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों माने माइनस, इसका प्लस क्यों माने, तो वो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ही समझ में आएगा। ठीक है, मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा उसको। ठीक, अब जरा देखेंगे कार्बन नंबर सेकेंड, कार्बन नंबर सेकेंड स्ट्रक्चर में कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, तो स्ट्रक्चर में वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं कि उस एटम का हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म निकालेंगे विथ अदर टाइप ऑफ एटम नॉट द सेम टाइप ऑफ एटम। तो यहाँ सेकेंड कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये बॉन्ड भी, ये दोनों बॉन्ड भी कार्बन के साथ ही बना रहा है, ये दोनों बॉन्ड भी कार्बन के साथ बना रहा है, मतलब सेमी टाइप का एटम इधर भी है और इधर भी है, मतलब इसका कोई भी बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, और कोई भी बॉन्ड काउंट नहीं हुआ, जीरो बॉन्ड आ गया, दैट मीन्स इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल करके आ गया, जीरो। कितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आ गया, जीरो, राइट, क्लियर। अगर C3 की मैं बात करूं तो हमारा फिर से इसका काउंट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये दोनों तो काउंट करना पड़ेगा भाई, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दो हो गया। अब इस दोनों बॉन्ड को काउंट करेंगे क्या, तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्बन फिर से कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, तो सेम टाइप के एटम के साथ नहीं काउंट करते हैं, तो यहाँ टू, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से यहाँ पे थर्ड कार्बन का कितना आ गया, प्लस टू। ठीक है, अरे हाँ या नहीं, समझ में आई बात, फर्स्ट कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू, सेकेंड का जीरो एंड थर्ड कार्बन का प्लस टू। यहाँ पे तीन कार्बन है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी चीज रहता है उन सारे को सम कर दो डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ दैट थिंग्स है, वैसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा फाइव चीजें हैं, जैसे वन प्लस टू, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, इन सारे के एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सारे को वन ऐड कर देंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर बाय प्लस फाइव, और टोटल है कितना, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव से डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका एवरेज आ गया। अरे एवरेज ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, इस केस में मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका कैलकुलेट करना है, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेसिकली कार्बन, तो कार्बन का जैसे ही एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है, तो सिंस मोर देन वन कार्बन है तो एवरेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, एक रहता तो एवरेज की बात ही नहीं होती, तो यहाँ पे मोर देन वन कार्बन है, तो हम लोग अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाले, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी व्हाट, दैट विल बी द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यही ना होगा हमारा, तो दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम टाइप, जिस भी टाइप का निकालना है। अब अगर इस केस में मैं आपको बोलूं निकालने के लिए, तो यहाँ पे कार्बन का निकालना है, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू फर्स्ट कार्बन का, सेकेंड कार्बन का जीरो एंड थर्ड कार्बन का इज ऑल्सो प्लस टू, राइट, डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ एटम, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन टू थ्री, दैट इज थ्री। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ गया, प्लस टू प्लस जीरो प्लस टू, दैट इज प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री। जरा आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, और जरा आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट को आप जरा देखो, क्या ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, नहीं है, सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स इस फॉर्मूला से हम लोगों ने जो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया था वो करेक्ट आया है, बट वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हुआ,
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हुआ, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट रॉन्ग, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आना किसी भी एटम का ये गलत बात नहीं है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आना गलत बात हमारा हो रहा था इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या गेन या लॉस फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअल में जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो किसी एक पार्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट टाइप ऑफ एटम। तो एवरेज तो फ्रैक्शन में आ सकता है ना, अब किसी पार्टिकुलर एक एलिमेंट का फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अब देखो फर्स्ट कार्बन में कितना है आपका प्लस टू, फ्रैक्शन में है क्या, नो सर। सेकंड कार्बन है कितना, जीरो, फ्रैक्शन में है क्या सर, नो सर। थर्ड कार्बन है कितना, प्लस टू, फ्रैक्शन में है क्या। तो किसी पार्टिकुलर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि किसी पार्टिकुलर एक एटम पे फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस पॉसिबल नहीं है, बट एवरेज तो आ सकता है ना फ्रैक्शन में भाई, तो एवरेज तो फ्रैक्शन में आ सकता है। दैट मीन्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको अभी हम लोग गलत बोल रहे थे कि फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आना जो कि गलत है, क्यों, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल में जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, दैट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट टाइप ऑफ एटम। वो हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट टाइप ऑफ एटम, कि उस टाइप का एटम उस कंपाउंड में जितना भी है उन सारे एटम्स का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप नोट करके लिखेंगे, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट टाइप ऑफ एटम। उस टाइप के एटम का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो कहीं अगर आपसे कोई ऐसे थ्योरी वाइज ऐसे जुबानी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया, अच्छा मेरे को ये बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता है चार्ज, और अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ गया, मतलब चार्ज आ गया फ्रैक्शन में, और चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस से, मतलब अगर चार्ज फ्रैक्शन में तो इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस भी फ्रैक्शन में हुआ होगा, तो क्या फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट सही बात है कि गलत बात है। तो बोलोगे नहीं, आप जो बोल रहे हैं ये बात तो सही है कि हमारा चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस से, और फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में वहाँ पे किसी एटम का ये नहीं बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस फ्रैक्शन में हुआ है। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पे उस तरह का जितना भी एटम होगा ना उन सारे एटम्स का एवरेज है, और उसमें आप अगर आप चेक करोगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो किसी भी एक भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो हमारा फ्रैक्शन में कोई हाल में नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि किसी एक एटम का ही ना इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हमारा हो रहा है, एवरेज तो फ्रैक्शन में आ सकता है ना भाई। ठीक है, होप आपको आंसर मिला होगा कि इज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट और रॉन्ग। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इज करेक्ट, और ये रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट टाइप ऑफ एटम। राइट, क्लियर, आई बात समझ में। तो ऐसा नहीं कि कहीं पे फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आया, अरे यार फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस, ना 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 नहीं होने वाला है भाई, इसको तो गलत आ गया हमारा, तो नहीं गलत नहीं आया। ठीक है, दैट इज द थर्ड स्पेशल केस। और भी एग्जाम्पल्स मैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में करवाता हूँ। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल इज कार्बन सब ऑक्साइड, दैट इज C3O2, जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा कितना आया है भाई, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आया है +4/3। राइट, ये होप आप ये कॉपी कर रहे होगे, उसको जल्दी से आप कॉपी कर लो। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल तो दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग जब स्ट्रक्चर में सेम टाइप के एटम के बीच का बॉन्ड क्यों नहीं काउंट करते हैं, और स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का यहाँ पे हम लोग निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों लिए, और कार्बन का यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों लिए। ठीक है, हम लोग कार्बन का निगेटिव ले लेते हैं, ऑक्सीजन का पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसा हमने क्यों किया है। तो अगर ऐसा रहता तो -2 -2 -4/3 आता, लेकिन हम लोगों ने प्लस क्यों लिया है, तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको समझ आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी आई तब भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्चुअल में जिसके हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगा वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, दैट इज पीरियोडिक टेबल। राइट,
क्लियर। आप इसको जल्दी से कॉपी करें। देखिए जैसे देखिए मैं क्या बोल रहा था आपसे, मैं ये आपको बता रहा था कि स्ट्रक्चर जब हम लोग ड्रॉ करते हैं कंपाउंड्स का, तो उसमें जो सेम टाइप के एटम्स होते हैं उस केस में, अगर कोई एटम हमारा सेमी टाइप के एटम के साथ अगर बॉन्ड बना रखा है तो उस बॉन्ड को हम लोग काउंट नहीं करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, यही मैं बता रहा था आपको। तो क्यों नहीं काउंट करते हैं वो मैं एक्चुअल में बताता हूँ आपको। उसके पहले आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें 10th की याद करनी पड़ेगी, और मैं कुछ चीज़ें भी बता रहा हूँ उसको आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग, इट इज सिंपली द चार्ज ऑन एनी एटम इन इट्स कंबाइंड स्टेट। किसी भी एटम पे जितना चार्ज डेवलप कर रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर किसी पे प्लस वन चार्ज कर डेवलप कर रहा है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, यही होता है। मैं आपको ये बता चुका हूँ। अब देखो आप जैसे इसी केस का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं C3O2 वाला, दैट इज सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, पहले तो जरा देखेंगे कि कंपाउंड्स जो होते हैं ना, कंपाउंड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, ये आप स्टडी करे होंगे अगर पिछले साल बॉन्डिंग पर हुए, केमिकल बॉन्डिंग कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर में है थोड़ा बहुत। तो अगर आप बॉन्डिंग पर हो गए तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड होता है, और कंपाउंड बेसिकली क्या होता है आपको मैं बता चुका हूँ, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होते हैं। तो कंपाउंड बेसिकली एक्चुअल में दो टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बॉन्ड बनने के बेसिस पे कि कौन से एटम्स के बीच में कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, तो एटम में कैसे बॉन्ड बन रहा है उसके बेसिस पे कंपाउंड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक जो टाइप का कंपाउंड है दैट इज बेसिकली आयनिक कंपाउंड, और दूसरा जो टाइप का कंपाउंड होता है दैट इज बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड। अगर आप थोड़ा बहुत बॉन्डिंग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। अभी तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, ये सब सारा आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग में। अभी देखिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम है कोवेलेंट कंपाउंड का। ठीक है, आयनिक कंपाउंड ऐसे सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, गेन या लॉस से जो कंपाउंड बनता है दो एटम के बीच में, अगर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट गेन एंड लॉस हो रहा है उस वजह से कंपाउंड बनता है, दैट इज आयनिक कंपाउंड। ये तब बनेगा जब एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव तो मैं समझा चुका हूं। तो ये जो होता है आयनिक कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज द विच कंपाउंड, दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज द आयनिक कंपाउंड, राइट। वेयर एज द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड जिसमें हमारा बॉन्ड तो बनता है, बॉन्ड तो बनता है हमारा, बट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस से नहीं, दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से हमारा बॉन्ड बनता है दैट कंपाउंड्स आर बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड। पहचानने का तरीका सिंपल सा है, अगर कोई कंपाउंड्स में ऐसे हम लोग बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये डैश से अगर हम लोग बॉन्ड ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज ऑल कंपाउंड्स आर विच कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। कैसा कंपाउंड है ये? कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हम लोग बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl। तो कोई आपसे पूछेगा भाई NaCl का स्ट्रक्चर बताओ, तो NaCl का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना देंगे कि सोडियम और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये आयनिक कंपाउंड है तो इसका हम लोग बॉन्ड रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब जरा आप देखो, तो कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो उसका इस टाइप से बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन होगा,
और कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस तो कभी नहीं होता है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग होता है, दो इलेक्ट्रॉन दो एटम आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है कि मेरे पास भी वो पार्ट रहेगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब उस इलेक्ट्रॉन में मेरा भी हिस्सेदारी हुआ, उस इलेक्ट्रॉन में तुम्हारा भी हिस्सेदारी हुआ, आप दोनों आदमी मिलकर साथ में रहते हैं, लाइक दैट। आई बात समझ में? तो इस टाइप से शेयरिंग वाली बात हुई। अब जरा आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बेसिकली, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग, इट इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि किसी भी एटम पे कितना चार्ज आ रहा है उसी का हमारा मैग्नीट्यूड इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोवेलेंट कंपाउंड में हमारा जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में, दैट इज ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस तो नहीं हो रहा है भाई, तो चार्ज कैसे डेवलप करता है तो वो हम लोग चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कि कौन से एटम पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से एटम पे निगेटिव चार्ज आएगा, ये हम लोग किसके हेल्प से पता करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, राइट। पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो वर्ड है ये एक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जो वर्ड है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका था। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, वापस से बता रहा हूँ आपको, ये सब चीजें बताई जा चुकी है, अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको याद होगा। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड निगेटिव मीन्स तो आपको पता ही है, नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज। तो वैसा एटम जिस पे निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, दैट टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। वैसा एटम जिस पे निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होगा, और निगेटिव चार्ज आएगा भाई कैसे, तो निगेटिव चार्ज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होगा, इलेक्ट्रॉन को दूसरे से लेने का टेंडेंसी होगा, दैट टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। वैसा ही एटम्स हमारा कैसा एटम्स कहलाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है, तो दैट एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू हमारा कौन सा चार्ज उस पर फॉर्म कर जाए, नेगेटिव चार्ज। वैसा एलिमेंट जिसके पास नेगेटिव चार्ज के फॉर्मेशन का टेंडेंसी होता है, और नेगेटिव चार्ज कैसे फॉर्म करेगा, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी हो। अब जरा देखो, आप जनरली मैं आपको बताया था नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, हमारा कौन सा एलिमेंट, नॉन मेटल ही हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसी के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी होता है। अब जरा आप खुद सोचो कि क्या हर एक नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी सेम होगा क्या, किसी के पास इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का चाहत बहुत ही ज़्यादा होगा, किसी में वही चाहत हमारा क्या होगा, कम होगा। तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कि मैं कितना इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लूं, गेन कर लूं, दैट टेंडेंसी और दैट प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन का टेंडेंसी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस जिससे उसके पास निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी डेवलप करता है। और निगेटिव चार्ज आएगा कैसे, ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से निगेटिव चार्ज आएगा। दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच ये 100% करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, करेक्ट डेफिनेशन तो मैं आपको पढ़ाऊंगा उधर में पीरियोडिक टेबल में, समझ में आया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव, एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज के फॉर्मेशन का टेंडेंसी, एंड निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने का टेंडेंसी उसके पास होता है। नाउ अब हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेम तो नहीं हो सकता है भाई, किसी का ज्यादा होगा किसी का क्या होगा भाई, कम होगा। अरे होगा नहीं होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो उस केस में अब जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ पकड़ के खींच लेगा। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा वो उतना तेजी से नहीं खींच पाएगा, तो अगले के पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी या लेने का टेंडेंसी, राइट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब हर एक एटम का सेम नहीं हो सकता,
कुछ एटम्स का मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिख देता हूँ। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे नॉन मेटल्स में, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, कुछ का लिख देता हूँ मैं, क्यों होता है ये सब आप अभी नहीं समझ सकते हैं, ये सब आप समझेंगे पीरियोडिक टेबल में। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब ऑर्डर ऑफ गेनिंग नेगेटिव चार्ज, दैट इज ऑर्डर ऑफ या ऑर्डर या टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव होता ही नहीं है, उसके पास मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी है। मतलब ये किसी के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने तरफ खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है। फ्लोरीन के बाद होता है आपका ऑक्सीजन, देन होता है आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का आपका होता है हमारा लगभग इक्वल, ठीक है। देन आपका होता है ब्रोमीन, देन आपका होता है आयोडीन, और आयोडीन का लगभग इक्वल होगा सल्फर के। देन आपका होता है फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का लगभग इक्वल होता है हाइड्रोजन के। बाकी इससे जो भी बच गया उन सारे के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम ही है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। मतलब फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज को गेन करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का गेन करने का टेंडेंसी। देन ऑक्सीजन के पास, देन नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन क्लोरीन का लगभग बराबर ही होता है। देन ब्रोमीन के पास, देन आयोडीन के पास, देन सल्फर के पास, आयोडीन सल्फर का लगभग बराबर, देन फॉस्फोरस और फॉस्फोरस हाइड्रोजन का लगभग बराबर होता है, ठीक है। याद कैसे करेंगे इस ऑर्डर को, इसको याद करने का मैं छोटा सा टेक्निक आपको बताता हूँ। कैसे याद करेंगे, हंसोगे नहीं आप लोग, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, ऐसे हिंदी में राइटिंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। फन, फन मीन्स एफ ओ एन, फोन नहीं, फन, ठीक है। नकल, फॉर एन फॉर नाइट्रोजन, सी एल कल फॉर क्लोरीन, इक्वल लगभग। बियर, ठीक है, बियर फॉर ब्रोमीन, फन नकल बियर। अब बियर पीने के बाद जनरली बियर कब लोग पीते हैं, तो इश्क में, राइट, दैट इज इश्क। सिर्फ याद करने के लिए, बाकी इसको अपने रियल लाइफ से जोड़ने का नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं जोड़ना है कि सर पढ़ा क्या रहा है आपको, नहीं, अगर इसको पढ़ना है, पढ़ा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आप कान और आँख दोनों बंद कर लो, ठीक है, समझ में आई बात। ऐसा नहीं कि सर आप तो कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ा, तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्चुअल में ये पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मेरे को ये, उसके लिए मैं ये आपको हेल्प के लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका स्टडी का टॉपिक नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं सर बेतुका कुछ भी, दैट इज़ नॉट करेक्ट। एक्चुअली आई एम टीचिंग दिस द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फन एफ ओ एन, हाँ ऐसे, नकल फॉर नाइट्रोजन क्लोरीन, बियर बी आर फॉर बियर, दैट इज बी आर फॉर ब्रोमीन, इश्क दैट इज आई एंड एस सल्फर, देन फॉस्फोरस, तो जो बियर पी रहे हैं उसका आप क्या कर लो, बियर में होता है अल्कोहल, अल्कोहल मतलब उसमें हो गया आपका एसिड का प्रेजेंस, तो एसिड का प्रेजेंस इसलिए उसका क्या कैलकुलेट कर लो आप, पीएच, क्योंकि आप पढ़े हो गए कि एसिड का हम लोग पीएच भी कैलकुलेट करते हैं ना, उसका इंडिकेटर ही हो गया एसिड के स्ट्रेंथ का, उसका पीएच, पीएच फॉर फॉस्फोरस हाइड्रोजन, समझ में आया। याद करने के लिए ठीक है, नहीं आपको पसंद आ रहा है तब भी ठीक है, पढ़ा ये नहीं रहा हूँ, पढ़ा एक्चुअल में ये रहा हूँ। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या आ गया, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन क्लोरीन का लगभग बराबर, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन और आयोडीन सल्फर का लगभग बराबर, देन फॉस्फोरस, देन हाइड्रोजन, और बाकी जो भी बच गया उसका बहुत कम। अब जरा आप बताओ, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा मतलब क्या चीज़ की, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। तो अगर इस केस में आप देखेंगे तो बन रहा है बॉन्ड हमारा ऑक्सीजन और किसके बीच में भाई, कार्बन के बीच में, किसके किसके बीच में बन रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बन रहा है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पे है और कार्बन का खोजो, नहीं मिल रहा है, मतलब ऑर्डर में कार्बन और ज़्यादा नीचे होगा, अरे होगा नहीं होगा, दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बोले कि कार्बन और ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सिंस ऑक्सीजन हमारा कैसा इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, दैट मीन्स
इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब, और इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ऑक्सीजन के पास क्या है ज्यादा, और ये हमारा कैसा आ गया तो इट इज बेसिकली लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। अरे हाँ या नहीं, आई बात समझ में? ऑर्डर में दिख रहा है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी ज्यादा आई है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, और कार्बन का दिख भी नहीं रहा है, मतलब ये और ज्यादा नीचे होगा। दैट मीन्स कार्बन को का जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन को खींचने का उसके पास जितना टेंडेंसी है उससे कई ज्यादा हमारा, कितने टाइम्स ज्यादा हमारा ऑक्सीजन का टेंडेंसी है। तो ऑक्सीजन इज वेरी मच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब बॉन्ड बना हुआ है बॉन्ड, और इस बॉन्ड में होता है हमारा, ये बॉन्ड में क्या होता है बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बॉन्ड में एक्चुअल में क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, और एक बॉन्ड में, एक सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। अब जरा आप मेरे को बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन को कौन अपना तरफ ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन की कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ खींचेगा ऑक्सीजन ज्यादा। क्यों खींचेगा भाई? तो ऑक्सीजन ज्यादा इसलिए पुल कर देगा कि बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, और अगर ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लिया इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो करना चाह रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव चार्ज। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो सिंस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। एंड चार्ज इज व्हाट? ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा? नेगेटिव होगा, नहीं होगा? क्यों होगा भाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, राइट? क्लियर आई बात समझ में? इसलिए मैं आपको उस टाइम जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 लिखा था। माइनस क्यों लिखा था? 2 तो हम लोग जानते ही हैं कि 2 होता है, माइनस इस वजह से लिखा कार्बन के रेस्पेक्ट में। +2 क्यों नहीं लिखा? इस वजह से लिखा हमने क्योंकि निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए ऑक्सीजन का आ गया बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन हैज मोर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन देन कार्बन। सिंस कार्बन से ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को गेन या अट्रैक्ट करने का, तो वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन हमारा दूर चला जाएगा, ऑक्सीजन के नजदीक चला जाएगा, तो ऑक्सीजन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है लगभग, तो इस पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सिंस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया तो कार्बन का भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा चार्ज डेवलप करेगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। एंड सिंस द चार्ज इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा चार्ज डेवलप कर रहा है? पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसा आएगा भाई? पॉजिटिव OS, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट। एनी कंफ्यूजन? अरे समझ में आ रहा है? बाउंस कर गया टोटल का टोटल, बाउंस भी कर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे ये हमारा चेंज करता है, इसका ऑर्डर, ये सब सारा आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे अभी तो मैं एक ही चीज़ को बताया हूँ कि यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तो ये बताया ही नहीं हूँ कि सेम टाइप में क्यों हमारा जीरो होगा। अगर किसी के पास थोड़ा सा शार्प ब्रेन होगा तो आप समझ गए होंगे कि सेम टाइप में हमारा क्यों जीरो होगा। ऐसे फिर भी वापस एक बार क्विकली मैं बताता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसके पहले कंपाउंड हमारा होता है दो टाइप का, एक आयनिक, एक हमारा कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस से बनता है, उसमें हम लोग बॉन्ड ये सब रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, डैश लाइन ये सब से, दैट कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड। उसमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस तो उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो -1। ये तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्टिंग में। बात आ जाती है भाई कोवेलेंट कंपाउंड्स पे, तो कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस नहीं है, तो शेयरिंग के टर्म्स में हम लोग चेक करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ सकता था, किसका नेगेटिव आएगा, कितना पॉजिटिव आएगा, किसका पॉजिटिव आएगा, किसका कितना मैग्नीट्यूड आएगा, राइट? तो उसके टर्म्स में हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग को ऑर्डर देखना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही डिसाइड करता है कि एक्चुअल में कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, और इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा तो उसका गेन हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। जिससे दूर चला गया बेचारे का लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, क्या करेगा? दुख में उस पर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो वर्ड से बना है, दैट वर्ड इज इलेक्ट्रोनिगेटिव, एंड इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड निगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज। तो वैसा एटम या वैसा एलिमेंट जिस पे निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी होता है, दैट एलिमेंट आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, बताया था।
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ दैट एलिमेंट और टेंडेंसी ऑफ दैट एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन और टू गेन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज डेवलप करता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का डेवलप होने का जो टेंडेंसी है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और निगेटिव चार्ज कैसे डेवलप करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करेगा, दैट मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमारा जो टेंडेंसी होगा दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सुनने देगा तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, निगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज, और विटी दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी कि निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगा किसके पास कम होगा, और निगेटिव चार्ज किसके पास ज्यादा होगा किसके पास कम होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन के गेन से ही पता चलेगा। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने का टेंडेंसी किसके पास ज्यादा होगा किसके पास क्या होगा कम होगा, राइट। अब जरा देखो वो उसके लिए मैं आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये होता है, आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज तो इसको हमेशा रखना पड़ेगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑफ फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्लोरीन का लगभग इक्वल, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन सल्फर का लगभग इक्वल, देन फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस हाइड्रोजन का लगभग इक्वल, ठीक है। तो अब जरा अगर इस बॉन्ड में मैं देखूं जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दिख रहा है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिस्ट में काफी ज्यादा ऊपर है, कार्बन दिख नहीं रहा है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ही ज्यादा कम होगा, दैट इज कार्बन इज वेरी मच लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा, अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब कौन सा चार्ज डेवलप करने का टेंडेंसी ज्यादा हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो और चार्ज ही हमारा बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑक्सीजन का हमारा होगा कार्बन के रिस्पेक्ट में, नेगेटिव, जबकि कार्बन का पॉजिटिव हम लोगों ने क्यों लिया था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस वजह से लिया था बिकॉज सिंस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव तो उतने जोर से इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा जोर से ऑक्सीजन पुल करेगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चला गया दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइप का हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सा चार्ज डेवलप करता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आ गया, पॉजिटिव। होप आपको क्लियर होगा, क्लियर आई बात समझ में, तो आप चाहो तो ये पॉइंट करके लिख सकते हो, The oxidation state of more electronegative atom is always negative. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, और दैट मीन्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इज नेगेटिव वाइल that of the less electronegative atom is positive, जबकि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव कम होगा उसका हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव पॉजिटिव साइन देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में। अब बात आके रुक जाती है, ये तो समझ में आ गया कि भाई कार्बन पे हम लोगों ने उस टाइम क्यों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का लिया था, होप आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप घबराएं नहीं, कोई बात नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है कि मैं आपको तब से बोल रहा हूं कि अगर स्ट्रक्चर में सेम टाइप का एटम होगा ना, तो सेम टाइप के एटम में हम लोग बॉन्ड बना रहा है तो उस बॉन्ड को काउंट नहीं करते ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्यों, क्योंकि अभी चलो देखो ये तो हमारा ठीक है, अब इन दोनों कार्बन पे हम लोग आ जाते हैं, चाहे बीच वाले कार्बन को मैं उठा लेता हूं, ठीक है। अब जरा देखो ये कार्बन जो है, इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, ये कार्बन एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब ये भी है कार्बन, ये भी है कार्बन, इसका जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा इस कार्बन का भी उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, क्योंकि भाई सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का एटम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम ही होगा ना, अरे होगा नहीं होगा, एकदम सेम होगा। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों सेम, मतलब ये कार्बन के पास जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी है उतना ही सेम इस कार्बन को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही हमारा टेंडेंसी या उसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। अब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल, मतलब इतना इधर जितना जोर से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है इस वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, उतना ही जोर से वो कार्बन उधर में पुल कर रहा है, तो इस तरफ से जितना ताकत लग रहा है और उस तरफ से उतना ही ताकत लग रहा है, तो ये नेट का ही मूव करेगा नहीं, जहां है वहीं रह जाएगा, अब जहां है वहीं रह जाएगा, ना इधर ही गया ना उधर ही गया, तो ना किसी के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना किसी के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ना ही पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज, अरे हाँ या नहीं, तो
तो ना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया इन दोनों में, ना ही निगेटिव चार्ज। इधर भी चार्ज की डेवलप किया जीरो, इधर भी चार्ज डेवलप किया जीरो, अरे हाँ या नहीं। तो चार्ज इधर में डेवलप किया जीरो, अब चार्ज इसकी वजह से डेवलप किया जीरो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, और इस कार्बन की वजह से भी जीरो होगा। सिंस इस कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका माइनस टू होता है, इसलिए इसका यहाँ पे जीरो है और इधर में माइनस टू, तो जीरो माइनस ऑफ माइनस टू, इसलिए इसका प्लस टू का हमारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का पॉजिटिव वाला आएगा ना, तो जीरो प्लस टू दैट मीन्स इसका ओवरऑल प्लस टू। तो इस कार्बन की वजह से इसका भी जीरो ही है, राइट। आई बात समझे। अब ये एक कार्बन फिर से इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फिर से दोनों कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव नहीं करेगा, तो ना ही किसी के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ना ही किसी के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज, मतलब इस कार्बन के लिए इधर भी जीरो। लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव तो इसका तो पॉजिटिव आएगा, इसका माइनस टू, तो इसका दो बॉन्ड बना रहा है तो प्लस टू, जीरो प्लस टू, तो इट इज इक्वल टू प्लस टू, अरे हाँ या नहीं। तो सेम टाइप के बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्यों आता है जीरो, इसलिए आता है क्योंकि सिंस एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी सेम, तो नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर भी नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा ना किसी पे निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, ना किसी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस किसी के लिए भी नहीं हुआ, तो चार्ज डेवलप किया जीरो, चार्ज डेवलप किया जीरो, तो चार्ज ही तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। तो नोट में आप सेकेंड पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम दैट इज कंबाइंड विद द सेम टाइप ऑफ एटम, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम दैट इज कंबाइंड विद द सेम टाइप ऑफ एटम इज कंसिडर्ड टू बी जीरो, इज कंसिडर्ड टू बी जीरो बिकॉज बोथ द एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, because both the atoms have same electronegativity and hence there is no any movement of electron and hence there is no any movement of electron towards any atom, और इस वजह से किसी भी एटम के तरफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो किसी के लिए ना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना किसी के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसलिए कोई चार्ज डेवलप नहीं करेगा, इस वजह से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ठीक है, समझ में आई बात। क्या मैं आज आपको बताया थर्ड स्पेशल के स्टार्ट किया जिसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको बताया कि आप फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, तो हाँ जी पॉसिबल है, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम, राइट। तो ये पॉसिबल है। हाँ, स्ट्रक्चर में मैं आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जब सेम टाइप का एटम हमारा बॉन्ड फॉर्म करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो मान लेते हैं, इस वजह से क्योंकि सेम टाइप के एटम के बीच में बॉन्ड है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत सेम, टेंडेंसी सेम, तो नेट इलेक्ट्रॉन का किधर भी मूवमेंट नहीं होगा, तो ना किसी के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ ना किसी के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो अगर गेन होता तब तो निगेटिव चार्ज, लॉस होता तब तो पॉजिटिव चार्ज, तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जीरो चार्ज, इस वजह से उसको ऑक्सीडेशन स्टेट में कंसिडर नहीं करेंगे। जबकि किस एटम का ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, किस एटम का पॉजिटिव होगा, किस एटम का निगेटिव होगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा गेन करेगा, उसका निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इस वजह से उसका निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जबकि जिसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, उसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी कम, तो उस इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, तो उसके लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉजिटिव होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो ये अभी थोड़ा देर वाला पार्ट पढ़ें, ये थोड़ा सा पूरी तरह से हटके पढ़ें हम लोग इस चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर में उसका एप्लीकेशन, इस वजह से मैंने इसको डिस्कस किया। होप आपको समझ तो आई होगी, मैंने अपना तरफ से जीरो लेवल पे बेस्ट ट्राई किया है कि आपको कुछ नहीं आता है तो कैसे समझ में आएगा। बाकी अगर समझ नहीं आई है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आप बेशक मेरे को कॉल वॉल कर करके, मैसेज वैसेज करके आप क्लियर कर लेंगे, और कंप्लीट अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप समझो कि इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। सिर्फ याद रखना है कि सेम टाइप के एटम के बीच में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कंसिडर करते हैं, राइट। क्लियर, होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं कुछ और एग्जांपल आपको कराऊंगा, देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के हेल्प से कैसे हम लोग देखेंगे कि कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, वो आपको बताऊंगा। देन मैं आपको पढ़ाऊंगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। क्लियर, होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ो लोग आप, और जो भी डाउट्स वाउट्स हैं वो आप ज़रूर पूछो मेरे से। ओके, थैंक यू सो मच।